सीढ़ियां मुबारक हो उन्हें जिन्हें छत तक जाना है। हम मुसाफिर हैं यारों, हमें अपना रास्ता खुद बना। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी मैथमेटिक्स 2013 का पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 में मैं डिस्कस करूं, उससे पहले आपसे बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हम चाहेंगे कि आप उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे आपको मिलेगी इस क्लास से रिलेटेड पीडीएफ और इस क्लास से रिलेटेड जानकारी, जो आपकी तैयारी की को एक सही दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध होगी। चलिए यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन दिया गया है हमें 77, कह रहा है कि 2 forces 4i + j - 3k एंड 3i + j - kr एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, है ना। देखिए दो फोर्स हैं, एक पार्टिकल पे कार्य कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है, दोनों फोर्स का नेट बल निकालना होता है ना। तो दोनों फोर्सों का नेट बल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस को हम जोड़ देंगे, है ना। दोनों फोर्सेस को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे 3i + j - 3k में जोड़ना है, 3i + j - k जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 7i + 2j - 4k। फिर क्या करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए वो क्या कर रहा है, अब देखिएगा पॉइंट ए था, ए से कहां तक डिस्प्ले किया गया, डिस्प्लेड किया गया ए प्लस इसके पोजिशन वेक्टर दिया गया था 2i + 3k और बी के पोजिशन वेक्टर दिए गए थे 5i + 4j + k, है ना। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, है ना। तो हमें क्या करना है, बी वाले ए को सब्ट्रैक्ट करिएगा, आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है सब्ट्रैक्ट किया हुआ, है ना। 5 में i घटाओगे 4 आएगा, फिर 4i में 2j घटा दोगे प्लस का 2j आएगा, k में माइनस का 3k घटाओगे तो माइनस का 3k आएगा, ये d आ गया। फिर आपको पता है कि जो वर्क w बराबर होता है वो क्या होता है, f × d, f और d रखेंगे, दोनों को क्या करेंगे, हमें डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है। अब आपको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, i वाला i के साथ मल्टीप्लाई होता है, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ, है ना। क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, आई और जे जो होते हैं, मतलब कि अगर इसके अलावा कोई दूसरा आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। चलिएगा आई और आई 1, j × j, है ना, 1, k × k 1, तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 28 हो जाएंगे, 7 को 28 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, सभी को जोड़ देंगे 40 यूनिट आ जाएगा, ठीक है, 40 यूनिट आ जाएगा। चलिएगा इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77, एक बेहतरीन क्वेश्चन है 77। देखिएगा इस प्रश्न में हमें क्या करना है, सबसे पहले ना, है ना, दरअसल हमें करना क्या है इस प्रश्न में, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर वाला जो वृत्त दिया गया है, क्या x² + y² - 6x + 14y + 48 = 0, हमें क्या करना है, इसके सेंटर और इसकी रेडियस निकाल लेनी है। क्योंकि हमें पता है कि हमें ये पता करना होगा कि दोनों के केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो, और त्रिज्याओं के योग का क्या चक्कर है, चाहे वो दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, दोनों बाहता स्पर्श करेंगे। लेकिन अगर क्या होगा, हमारे पास C1 C2 यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बिल्कुल स्पर्श नहीं करेंगे, है ना। और यदि क्या हो जाएगा, C1 और C2 यानी कि C1 C2 जो है वो कम होगी, यानी कि त्रिज्याओं का योग ज्यादा होगा तो क्या होगा, फिर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, है ना। इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, देखिएगा सभी बातें करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, x² + y² - 6x - 14y + 48 = 0 को कंपेयर किया किससे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से। तो देखो यहाँ पे 2g = कितना आ जाएगा, -6, g = कितना आ जाएगा, -3 आपके सामने रखा हुआ है, और f = कितना आ जाएगा, 2f = कितना आ जाएगा, -14, f = कितना आ जाएगा, -7, और c हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब निकाल दो केंद्र कितने होते हैं, इसका सेंटर क्या हो जाएंगे, -g, -f, यानी कि 3, 7 हो गया, ये सेंटर हो गया, हमने C1 मान लिया। हम क्या करेंगे, पहले R1 निकालेंगे, उससे पहले हम इसके पास भी आ जाते हैं, C2 के पास आ जाओ, देखो तो C2 क्या होगा, यहाँ पे C2 दिया गया है, C2 मतलब कि दूसरे वृत्त की जो समीकरण दी गई, दूसरे वृत्त की जो इक्वेशन दी गई है वो क्या दी गई है, वो दी गई है हमें x² + y² - 6x = 0, इसका भी आप सेंटर निकालो जैसे उसका निकालो, 3, 0 आ जाएगा, और इसका जो अचर पद है वो 0 है ना। अब देखिएगा हमें क्या करना है, यहाँ पे अब निकालना है हमें दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर्स, है ना, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी निकालेंगे। C1 C2 = कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 - 3 का होल स्क्वायर + 7 - 0 का होल स्क्वायर,
ये तो जीरो हो जाएगा, ये वाला पद तो जीरो हो जाएगा, 7 - 0 7 का स्क्वायर आएगा यानी कि 7 आ जाएगी, केंद्रों के बीच की दूरी 7 आ जाएगी। पहले वाले की त्रिज्या निकालो, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, √g² + f² - c। तो पहले वाले के लिए जी कितना है 3 है, एफ कितना है 7 है, सी कितना है 48 है, तो कितना हो जाएगा 9 यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 48 √10। √10 का मान कितना आएगा 3 समथिंग आएगा। R3 का मान कितना हो जाएगा, g² यहाँ पे सिर्फ एक ही है ना, बाकी तो सारे जीरो है, तो कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा √9, √9 का 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करके देख लीजिए, दोनों त्रिज्याओं का योग जो आएगा वो 6 कुछ आएगा, लेकिन केंद्रों के बीच की दूरी क्या है 7 है ना, मतलब कि दोनों त्रिज्याओं का योग 7 तो नहीं आएगा, 7 से क्या आएगा छोटा ही आएगा। कहने का मतलब जब भी ये ऐसी सिचुएशन होगी कि केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो बड़ी हो और त्रिज्याओं के बीच का योग जो हो छोटा हो, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, दोनों वृत्त एक दूसरे को बिल्कुल दूर दूर होते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं दूर दूर होते हैं। और ऐसी सिचुएशन में ये 4 स्पर्श रेखाएं आपके सामने खींची गई हैं, एक ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, एक ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, एक ये कॉमन वाली हो जाएगी है ना, ये एक तरह के स्पर्शी बोलते हैं इसे, और ये भी तरह के स्पर्शी, इस तरह से 4 स्पर्श रेखाएं हमारे पास खींची जा सकती है। कब, इस सिचुएशन में जब क्या हो दोनों वृत्त एक दूसरे को बिल्कुल स्पर्श ना करते हो, है ना, ये ऐसा हो, ऐसी वाली सिचुएशन में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2, एक को ऊपर ऊपर 2 खींचे इन्हें अनुस्पर्शी बोलते हैं, है ना, और एक क्या होगी ये त्रयक स्पर्श, है ना, ये क्या करती है त्रयक स्पर्शी होगी, त्रयक तिरछा छूती हुई जाएगी, ये गई और पहले से हमारे पास ये इस तरह से 4 स्थित होगी यहाँ पे, कि 4 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। अच्छा अब एक और बात करते हैं, मान लीजिए कि स्पर्श ना करते हैं, है ना, इस सिचुएशन में क्या होता हमारे पास, भाई ये दूर दूर थे स्पर्श नहीं कर रहे थे, एक सिचुएशन ये हो सकती थी कि दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं ना, ये और ये, इस दौरान कितनी कॉमन पॉट्स की ड्रॉ की जा सकती थी, देखते हैं, एक तो इन दोनों को टच करती हुई 20 से निकल जाएगी कॉमन पॉट, दूसरी यानी कि जब एक दूसरे को बाहता एक्सटर्नल टचेस करेंगे तब ये क्या होगा 3 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। अच्छा अगर एक दूसरे को क्या हो ये अंदर स्पर्श करें, सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 कॉमन कॉर्ड दोनों की, सॉरी कॉमन टेंजेंट दोनों की ड्रॉ की जा सकती है, लेकिन अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखाएं इस सिचुएशन में खींची जाएंगी। अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, यानी कि दूसरा वृत्त एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर है, इस सिचुएशन में कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं खींची जा सकती, इस दौरान कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं खींची जा सकती, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ एरिया है ही नहीं जहां पे दोनों कॉमन हो, ठीक है, तो दोनों में कॉमन कॉर्ड नहीं खींची जा सकती, सॉरी कॉमन टेंजेंट नहीं खींची जा सकती। चलिएगा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द 5 पर्सन, है ना, 5 पर्सन की जो हाइट है वो दी गई है हमें, हमें यहाँ पे मीन निकालना है, तो मीन का सिंपल सा फंडा होता है ना, मीन क्या होता है, मीन इज इक्वल टू होता है क्या सम ऑफ टर्म बटे नंबर ऑफ टर्म, कितना हो जाएगा 144 प्लस 152 प्लस कितना है 151 प्लस 158 प्लस 155 डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ टर्म्स, कितने 5, है ना। अब देखिए इन सभी को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जैसे ही आप ऐड करेंगे इन्हें तो ऐड करने पे आएगा इनको ये हो जाएगा, और पहले तो 150 सबसे निकाल लीजिए, है ना, सबसे 150 निकाल लेंगे, देखिए अगर यहाँ पे कितना दिया हमारे पास 152 प्लस 151 ये क्या 158 है, और 155 हम क्या करें सबसे 150 निकाल लो तो 5 बार निकल जाएगा 15 - 75 750 आ जाएगा, ये 750। अब देखो इसके पास 6 कम पड़ रहे थे, 6 हमने इससे दे दिया, तो इसके पास 2 बचे और इसके पास 1 बचे, 2 - 1 = 3, 3 - 2 = 5, 5 + 5 = 10, 10 और जोड़ दीजिए, है ना, बट्टा में 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 760 बट्टा में 5 काट दीजिएगा 152 सेंटीमीटर आएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 एक बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए
79 में कह रहा है कि ओमेगा जो है ना, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, ओमेगा अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है तो आपको बात पता होनी चाहिए कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। अच्छा, एक बात और आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि एक ओमेगा है और एक क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है ना, ये तीन रूट होते हैं है ना, एक 1 आ जाता है, एक ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, तो इनमें ये जो दोनों होते हैं है ना, एक दूसरे के वर्ग होते हैं है ना। अगर आप इसका वर्ग कर दोगे, इसका आप स्क्वायर करोगे पहले वाले का, तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे वाले का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो पहला वाला आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के वर्ग होते हैं, और ये भी कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम भी होते हैं है ना, एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। समझ गए ना, ओमेगा इज इक्वल टू 1/ω² और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1/ω, ये दूसरे के व्युत्क्रम भी होते हैं। अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा, इसमें किसी भी तरह की गलती के चांस नहीं होने चाहिए। दोनों जो होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, और एक दूसरे को वर्ग करने पे एक से दूसरा और दूसरे से पहला प्राप्त किया जा सकता है। चलिएगा यहाँ पे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 1 - ω है ना, किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 - ω ब्रैकेट में रखते हैं कितना, 1 - ω + ω² एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + ω - ω². अब देखिए हम इसे थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, 1 + ω² - ω को एक जगह रख दो, 1 + ω की जगह पे हम रख सकते हैं कितना, -ω² और वहां पर -ω² पहले से है, 1 + ω² की जगह पर हम यहाँ से रख सकते हैं -ω, तो ये -ω - ω और इसे ऐड कर लेंगे, -k² हो जाएंगे, ये -k² हो जाएगा, इनटू कर देंगे -k² -, कितना हो जाएगा, +k 4 ω³। ω³ की वैल्यू आपके सामने 1 है ना, कितने आया, वैल्यू 4 आई, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 79 में ऑप्शन सही हो जाएगा सी है ना। इसके बाद चलेंगे हम लोग 79 हो गया, हाँ 80 तो आएगा, 80 एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ना, ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, 1 + r + r² + r³ ।। तक है ना, ये क्या होती है, जो सीरीज होती है ना, ये क्या होती है, मॉडुलस r लेस देन 1 पे क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है ना, कन्वर्जेंट होती है, और r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है ना, और उस एसोलेटरी भी होती है ये है ना, फॉर r लेस देन इक्वल टू -1 ये क्या होती है, यानी कि ये तीनों होती है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, कन्वर्जेंट भी है, डाइवर्जेंट भी है, और ये ऑसिलेटरी भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सी चीजें, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा है कि अ सेट ऑफ कंटेनिंग एन एलिमेंट्स है ना, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ऐसा सेट है जिसके पास एन एलिमेंट्स है, तो कह रहा है उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे है ना, नंबर ऑफ सबसेट देखते हैं कितने होंगे, ठीक, नंबर ऑफ सबसेट देखते हैं, नंबर ऑफ सबसेट जो होता है उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास n सेट दिए गए है ना, मैं आपको इसके सारे फार्मूलों का डिस्कशन भी करूंगा है ना, आप सारे फार्मूले इसके नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो फिर सबसेट की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ सबसेट अगर n एलिमेंट है तो 2^n हो जाएंगे है ना, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2^n हो जाएंगे। चलिएगा कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या पूछे गए हैं कहीं ना कहीं है ना। मान लीजिए कि हमें अगर n एलिमेंट्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है, यानी कि स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी होगी है ना, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है जबकि n एलिमेंट्स दिए गए हैं है ना, ये होता है 2^n² - n। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट मान लीजिए कि यदि हमारे पास ए और बी दो परिमित समुच्चय है ना, क्या है कि ए है और बी परिमित, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो लिमिटेड है ना, दो परिमित समुच्चय हैं जिनमें नंबर ऑफ ए में जो एलिमेंट्स हैं वो एम है और बी में जो एलिमेंट्स हैं एन है। तो अब हमें बताना है यहाँ पे, पहला पॉइंट देखिएगा, पहला पॉइंट हमें ये बताना है यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या होगी है ना, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ए और बी क्या है, हमारे पास परिमित समुच्चय है ना, परिमित समुच्चय है यानी कि क्या है, फाइनाइट समुच्चय है। तो ए क्रॉस बी में जो अवयवों की संख्या होगी ना, में अवयवों की संख्या यानी कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे, अवयवों की
अवयवों की संख्या जो होगी वो हो जाएगी m इंटू एन, है ना, कितनी हो जाएगी m इंटू एन, है ना। ए क्रॉस बी में अवयवों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, m इंटू एन हो जाएगी। अब इसी में मान लीजिए ये तो अवयवों की संख्या हो गई, सेकंड पार्ट हमसे ये पूछ लिया जाए कि ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। समुच्चय की संख्या कैसी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एक क्रॉस बी में तो ये 2 की पावर में चले जाएंगे, तो 2 की पावर में कितना m है ना। यहां पे भी तो एक का नंबर ऑफ एलिमेंट समुच्चय कैसे निकाल लेते हैं, तो कैसे निकाल रहे हैं 2 की पावर n कर रहे थे, तो यहां पे टोटल एलिमेंट कितने m n है, तो 2 की पावर m n हो जाएगा, है ना। इसके बाद अब हम बात करेंगे a से b में संबंधों की संख्या, है ना। a से b में टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, a से b में संबंधों की संख्या, ए से बी में जो संबंधों की संख्या होगी वो भी क्या होगी, 2 की पावर एम एन होगी। ए से बी में संबंधों की संख्या 2 की पावर एम एन हो जाएगी। और अगर हम बात करें अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या, है ना, एक देखो टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पे दिए गए हैं 2 की पावर एम एन। अगर हम अरिक्त की बात करें, अरिक्त क्या होता है, एक ही तो होता है, उसे घटा देंगे, है ना। अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर एम एन माइनस 1, है ना। ये क्या हो जाएगी, अरिक्त, यानी कि जो रिक्त ना हो, एक ही रिक्त समुच्चय होगा उसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, चलेगा। अब मान लीजिए कि एक और एक पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट ये देख लीजिए यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, है ना, अगर हमारे पास एन एलिमेंट दिए गए हैं तो टोटल नंबर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ये हो जाते हैं 2 की पावर 1 बाय 2 एन इंटू एन प्लस 1, है ना, 2 की पावर 1 बाय 2 एन इंटू एन प्लस 1। एक पॉइंट और देख लीजिएगा लास्ट, है ना। मान लीजिए कि हमसे ये कहा जाए कि यदि ये कह दिया जाए कि ए तथा बी में एन अवयव है, ना, ए और बी में कितने अवयव हैं, एन अवयव है, उभयनिष्ठ है जो, है ना, तब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी होगी। कहने का मतलब यह है कि ए तथा बी में एन अवयव उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है, ए और बी में जो एन है वो एन एलिमेंट्स जो कॉमन है, तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए में कितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ये हो जाएंगे एन स्क्वायर, है ना। अगर a और b में n एलिमेंट्स क्या हैं, कॉमन है, तो a क्रॉस b और b क्रॉस a में n स्क्वायर एलिमेंट जो होंगे, यानी कि n की पावर 2 एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो इसमें ऑप्शन सही हो गया b। चलेंगे हम आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82, प्रश्न संख्या 82। 82 में हमसे कहा गया है कि एक परवलय दिया गया है, ना, कि परवलय x = ay² + by + c के नाभि लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो कितना हो जाएगा ये, इसे कर लो आप ए वाई स्क्वायर प्लस का बी वाई, है ना, इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की तरफ सी को भेज दो, भेज दिया हमने, यहाँ पे वाई स्क्वायर जो कोफिशियंट है उसे हटा दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस आ जाएगा बी बाई ए, है ना, वाई इधर इंटू में आएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा, एक्स माइनस सी बटे ए आएगा, एक को डिवाइड कर दिया हमने। अब देखो हमें क्या करना है, इसको होल वर्ग यानी कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, है ना, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखिएगा 2ab वाला टर्म यहाँ पे कौन सा है, b बटे ए वाई, है ना, b की वैल्यू y है ना, y से y काटो, 2a बराबर आ जाएगा b बटा a, यानी कि यहाँ से a बराबर आ जाएगा b बाई 2a। कुल मिला के यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ए स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दें, और दोनों तरफ क्या करें, जोड़ दीजिए, चलिएगा आप जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया भाई, बी स्क्वायर बटे में 4 ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा, जोड़ो वाई स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में 4 ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे पहले से हमारे पास बी बाई ए वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस सी बटा में ए, और प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में
फोर ए स्क्वायर ना। अब ये बन चुका है हमारे पास y प्लस बी बाई ए, है ना, y प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर बन गया। और इधर क्या करो, वन बाई ए आप ले लो कॉमन, ये हो जाएगा एक्स माइनस सी प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए, है ना, ये हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने आ चुका है ना, वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स, वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स, है ना, वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स, जहां पे फोर ए क्या होता है, नाभि लंब होता है। कंपेयर कर दीजिए, इसे हम पूरे को एक्स मान लेंगे, बड़ा वाला एक्स मान लेंगे, ठीक है। फोर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन बाई ए, है ना, वन बाई ए, वन बाई ए यानी कि फोर ए क्या होता है, लेटस रेक्टम होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी कि नाभि लंब की लंबाई होती है, वन बाई ए। फोर ए की वैल्यू कितनी है, वन बाई ए, है ना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। देखो प्रश्न संख्या 83 में ना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 83 ये कहना चाह रहा है कि आप ये बताओ कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो तक की दिया गया है। देखिए समझिए, यहाँ पे दिया है उसने कि जो एफ एक्स है और एफ माइनस एक्स है इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, जीरो। अब ये ऐसा तभी हुआ होगा जब हमने एफ माइनस एक्स रखा होगा और यहाँ पे माइनस का एफ एक्स आया होगा, यानी कि फंक्शन में एक्स की जगह पे हमने माइनस एक्स रखा होगा और वो माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया होगा। और ऐसा तब होता है जब फंक्शन कैसा होता है, ओड फंक्शन होता है। ऐसा कब होता है, जब फंक्शन क्या होता है, ओड फंक्शन होता है यानी कि विषम फलन होता है। और आपको एक बात बता दें, जब भी हम कब किसी ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे हमेशा हमें इवन फंक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑड फंक्शन का जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको इवन फंक्शन मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही हमें पता चला कि ये ऑड फंक्शन है तो हमें पता है कि ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है, है ना। चलेगा क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है, गजब क्वेश्चन नंबर 84 में वही हमें कुछ नहीं करना, पीएस बराबर ईपीएम से निकाल देना है। तीर्थवृत्ति की नाभि भी पूछा गया, नाभि दी गई, सब कुछ दिया गया ना, चाहो तो आप फिगर बना लो, और नाभि बनाना चाहो तो फिगर की कोई जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली पीएस बराबर ईपीएम निकाल सकते हैं, क्योंकि आप इतनी बार प्रैक्टिस में ला चुके होते हैं तो आपको रटा होता है ना। चलेगा, ये होता है अच्छ इसका, और ये इसकी ये नाभि है, नाभि के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं, सिक्स कॉमा सेवन दिए गए, इसे हम एस से डिनोट करते हैं, नाभि को किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, एस हो गया। एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए पी, पी के निर्देशांक हम खुद ले लेंगे एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे हमारी नियता यानी कि डायरेक्ट्रिस्ट वो कितनी हो जाएगी, ये दीजिए ये, है ना, ये कितनी हो जाएगी, इसे हम पी एम बना देते हैं, और ये है लिख देते हैं इसका एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, और इसकी सेंट्रिसिटी दी गई है, और हमें सीधा सा पता है कि पी एस बराबर ई पी एम होता है ना, पी एस बराबर होता है ई पी एम, है ना, ये परवलय दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स की डेफिनेशन कहती है कि पी एस इज इक्वल टू ई पी एम होगा, यानी कि पी एस और पी एम का रेशियो क्या होगा, इसेंट्रिसिटी कहलाता है ना। पी एस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पी और एस के बीच की दूरी निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, है ना, कितना है एक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा y माइनस सेवन का स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या करो पीएम निकालो, है ना, इसेंट्रिसिटी कितनी दी गई है e, ये आ जाएगी एक बटे अंडर रूट तीन, पीएम निकालो, परपेंडिकुलर डाल दो, किस रेखा पे डालना है, x प्लस वाई प्लस टू पर, कहां से x कॉमा वाई कॉमा x कॉमा वाई से, है ना, ये तो वही रहेगा x प्लस वाई प्लस टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर x, ए स्क्वायर का एक्स का गुणांक है, यहाँ पे वन है, यहाँ भी वन है, वन हो जाएगा, वन वन हो जाएंगे, है ना। अब क्या करो, हमको दोनों तरफ वर्ग करना है, ये वर्गमूल हटाना पहला काम, एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई माइनस सेवन का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, देखो यहाँ पे तीन है और यहाँ पे रूट तीन है, यहाँ पे रूट दो है, मिला के कितने हो जाएंगे, रूट छह हो जाएंगे, स्क्वायर करोगे तो सिर्फ छह बचेगा, है ना, कितना बचेगा छह, एक बट्टे में छह रहेगा तो छह इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना, एक बट्टा इधर छह होगा, इधर छह मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा x प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर, है ना,
कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमने वर्ग किया, वर्ग करके आप सिंप्लीफाई करिएगा, थोड़ा सा जल्दी कर दिया इसमें। अब देखिए हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक चेक कर लेंगे और अचर पद चेक कर लेंगे। पहले कोशिश करेंगे कि मामला को सेट किया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी पांच एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी पांच वाई स्क्वायर है, यहाँ भी पांच एक्स स्क्वायर है, पांच वाई स्क्वायर है, यहाँ पे पांच एक्स स्क्वायर, यहाँ भी पांच वाई स्क्वायर है प्लस के, ये भी पांच एक्स स्क्वायर पांच वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अचर पद चेक कर लीजिए। आप क्या करिए, सिर्फ अचर पद चेक कर लीजिए, अचर पद ही डिसाइड कर देगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिएगा यहाँ पे सिक्स है और यहाँ पे अचर पद कितना आएगा, जब आप एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर खोलोगे तो 36 आएगा अंदर, तो 36 रख दीजिए। प्लस यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पे 49 आएगा, और इधर कितना आ जाएगा अचर पद, एक्स प्लस वाई ये दो का स्क्वायर, अचर पद इधर 4 ही आएगा, है ना। चलिएगा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ऐड करिए 9 6 15 की 5 हासिल आए 1, और ये हो जाएगा भाई 85 गुणे 6 माइनस 4, प्लस का 4 इधर घटा के देख लो ना, घटाएंगे तो कितना जाएगा 56 30 की 0 आ गया, 6 5 30 30 की कितनी हो जाएंगी 0, 3 आए 8 6 48, 3 कितना हो जाएगा भाई 51 हो जाएगा, माइनस का 4 करोगे 506 आएगा, प्लस का 506 जिस ऑप्शन में सही होगा होगा वही करेक्ट होगा। देखो यहाँ पे 506 प्लस का दिया गया है। अब आप कहोगे कि सर आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यों नहीं मिलाया, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट टू सभी ऑप्शन में सेम है, तो उसे मिलाने की जरूरत नहीं है, अगर आप मिलाओगे तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, अगर टाइम खराब नहीं करना है तो अचर पद मिला लेते हैं सीधा, तो अचर पद 506 आ गया, मतलब कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसे काटने वाला कोई नहीं है, है ना, चलेगा। लेकिन अगर आपने फिगर विगर ना बनाया होता तो बहुत ही आसानी के साथ कुछ और जल्दी डील हो जाता। अब देखिएगा यहाँ पे प्रश्न में दिया गया 85, क्वेश्चन नंबर 85 भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85 ऊपरी करते हैं, देखो यहाँ पे ये दिया गया है, हम क्या करें, यहाँ पे अगर हम इसमें R1 में R2 को जोड़ दें तो यहाँ पे भी 0 मिल जाएगा और यहाँ पे भी 0 मिल जाएगा, है ना, तो जोड़ दो भाई R1 टेंस टू, क्या करना है हमें यहाँ पे, करना क्या है, यहाँ करना है R1 टेंस टू R1 प्लस R2, कर लेते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6i प्लस 4 और ये माइनस का 3i प्लस का 3i, ये 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3i, ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा 20 है, ये 3 है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, इक्वल टू हमें दिया गया है x प्लस आई वाई। देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसके अलावा आप क्या करो इसे ओपन कर लो, इसके अलावा यानी कि 6i प्लस 4 के अलावा आप इसे ओपन कर लीजिए, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, कितना हो जाएगा 3i स्क्वायर प्लस 3, है ना, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई। अब देखो 6i प्लस 4 को हम बाद में निपटाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 3 इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई। देखो ये पूरा 0 हो गया, माइनस 3 प्लस 3 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, यानी कि ये हो गया एक्स प्लस आई वाई। हमें क्या करना है, इसे हम लिख सकते हैं 0 प्लस i 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। कंपेयर करिए, कंपेयरिंग बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दोनों पक्षों में वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर कितना मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा x इक्वल टू 0 और मिल जाएगा हमें y इक्वल टू 0, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलेगा इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि कह रहा है कि ये क्या होता है, हमारे पास अगर क्या होती है नंबर ये होती है, सॉरी इक्वेशन ये होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके लंब करने का प्रतिबंध यानी कि परपेंडिकुलर की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a प्लस b इक्वल टू 0, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 है, कोफिशिएंट ऑफ y k है इक्वल टू 0, k इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 का, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहां पे -3 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, प्रश्न संख्या 87 में कह रहा है कि एक, मैं आपको बता चुका हूँ कि समबाहु त्रिभुज जो होता है ना, देखो यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती है ए ए ए, यानी कि इसका शीर्ष लंब की बात हो या इसके माध्यिका की बात हो या इसका हम हाइट की बात करें, है ना, वो सभी में सेम होता है और वो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए बटा √3, है ना। यानी कि मैं अगर बात करूं इसके शीर्ष लंब की यानी कि इसके हाइट की बात करूं तो वो क्या होता है, ए मतलब भुजा, है ना, भुजा यानी कि साइड √3 बटा में 2,
ए कितना दिया गया है, 2a√3/2, तो उसे 2 काट दीजिएगा, कितना जाएगा a√3, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 88, प्रश्न संख्या 88, प्रश्न संख्या 88 तो कई बार हम कर चुके हैं लेकिन फिर से कर लेते हैं क्योंकि प्रश्न आया ही है तो कर ही लेते। देखिए इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं, कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा काम करेंगे। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन दिया गया है, त्रिकोणमिति वाला जो टर्म दिया गया है, सिर्फ उसे उठाकर पहले सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 दिया गया, 1+ में हो जाएगा cos x, ऊपर नीचे क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, 1- का cos x, ये कितना हो जाएगा 1- का cos x डिवाइडेड बाई, देखो ये 1 - 1 + 1 a + b और a - b a² - b² यानी कि 1- का हो जाएगा ये cos square x, और ये बन जाएगा नीचे क्या बन जाएगा 1 - cos² x sin² x के बराबर होता है और अलग अलग बटे कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा sin² x माइनस ये हो जाएगा cos x बटे sin x, एक यहाँ दे दो और एक को चुपचाप अकेला छोड़, ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x और ये हो जाएगा माइनस का 1/sin x हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा cos x बटे cot x हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देना है ना, इंटीग्रेशन कर देना, लोग कर लो यही पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन dx, देखो cos स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का cot x हो जाएगा, इसमें किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, कितना हो जाएगा ये माइनस का cot x होता है और यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस ये भी क्या होता है माइनस का cos x होता है, cos x cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos x, माइनस माइनस से प्लस कर देगा और ये कितना हो जाएगा cos x x हो जाएगा और लिमिट चुपचाप रख दीजिए, है ना, इंटीग्रेशन लिमिट कितनी दी गई है 5/4 और ये दी गई है 3/4, है ना, 5/4 से 3/4, पहले क्या करो अपर लिमिट अप्लाई कर दीजिए 5/4 अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना माइनस का दिया गया है पास, ये दो माइनस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 3/4 यानी कि मतलब ये हो गया 3/4 मतलब 135 और cot 135 का जो मान होता है वो माइनस का 1 होता है, माइनस वहां पहले से है तो 1 बच जाएगा यहाँ, है ना, फिर इसके साथ रखोगे cos के साथ तो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, ये कितनी आ जाएगी √2 आ जाएगी, फिर माइनस लगाते हैं लोअर लिमिट 5/4 ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस इसका कितना आ जाएगा √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1+ का √2 माइनस माइनस प्लस कर देगा 1 को माइनस का √2 रहेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 2 आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलेगा इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89, एक बेहतरीन क्वेश्चन 89 कह रहा है कि यदि sin α + sin β = a, अब देखिएगा हमें sin α + sin β = a गिवन है, हम क्या करेंगे यहाँ पे a = निकाल लेंगे, sin C + sin D का फॉर्मूला आप लगा दीजिए 2 × आप कहोगे सर sin C + D/2 sin α + β/2 sin C + D क्या होता है cos C - D यानी कि α - β/2 ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे cos C - cos D है, cos C - cos D तो ये कितना हो जाएगा D कितना हो जाएगा cos C - cos D क्या होता है भाई फॉर्मूले में आ जाएगा माइनस का 2 sin C + D है ना वही आ जाएगा 2 माइनस आता है इसमें माइनस न लाना होता तो यहाँ पे हमें क्या करना होता D - C करते है ना D - C करते लेकिन हम D - C नहीं कर लेंगे C - D ही लिखा है। अब प्रश्न में हमसे कह रहा है कि tan α - β/2 अब देखो tan α - β/2 कब आएगा जब हम क्या करें पहले डिवाइड कर दें cot निकाल लो सीधा cot दोनों को डिवाइड करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा a/b = आ जाएगा है ना a/b = आ जाएगा कैंसिल कर दो किस 2 से 2 को काट दो sin α + β/2 sin α β/2 कट जाएगा है ना इधर सिर्फ हमारे पास क्या बचा है माइनस बचा है और माइनस में क्या बचा है ऊपर देखो बचा है cos α - β/2 और नीचे बचा है sin α - β/2 दोनों को पलट दीजिए ये a/b है ना और माइनस को इधर ले लेना ये हो जाएगा b/a माइनस को इनके साथ कर दो और ये हो जाएगा sin α - β/2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा cos α - β/2 जो हो जाएगा tan α - β/2 किसके बराबर हो गया माइनस का b/a कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलेगा
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। प्रश्न संख्या 90 प्रश्न संख्या 90 में हमें एक बात पता है कि हमें इसका प्रांत यानी कि डोमेन निकालना है, इसका डोमेन निकालना है। तो देखिए ये जो अंदर वैल्यू है रूट के, ये रूट के अंदर जो वैल्यू है ना, ये दिया गया है। रूट के अंदर क्या है, ये रूट, ये वाला, यहाँ से हमें पता है कि जो रूट के अंदर नंबर है वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, है ना। वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। तो रूट के अंदर नंबर कौन सी दी गई है, ये दी गई 1 माइनस रूट 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ये जीरो होगा। अच्छा अब हमें क्या करना है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, हमें क्या करना है, 1 को उधर भेज देना है ना, 1 उधर भेजेंगे या इसको इधर भेज दिए, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 को उधर भेजेंगे है ना, रूट रूट 1 माइनस कितना बचा इधर, ये 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, 1 इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करो, दोनों तरफ आप वर्ग कर दीजिए, वर्ग करेंगे 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब आप इसे वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब 1 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 1 दोनों हो जाएंगे कैंसिल। आप फिर से कर दीजिए इसका वर्ग, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 है ना। या इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स के फैक्टर, इसके फैक्टर कर देंगे, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक 1 आ गई, एक क्या होगी माइनस का बना दिए है ना। इसे क्या करेंगे, नंबर ऑफ नंबर लाइन पे रख देंगे, ये होती है हमारी नंबर लाइन, इधर होता है हमारा माइनस इनफाइनाइट और इधर क्या होता है प्लस का इनफाइनाइट होता है, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस का 1 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 है ना, ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये होता है इधर का प्लस हो जाएगा और ये होता है प्लस, बीच में हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है हमें, प्रश्न हमसे कह रहा है यहाँ पे कि जो एक्स है ना, एक्स का जो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन कहाँ हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक लेंगे, माइनस 1 से प्लस में, माइनस 1 से प्लस में, माइनस 1 से प्लस में, कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 भी एक बहुत ही कठिन क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस का जेड प्लस का आई इक्वल टू 0 दिया गया। इन दोनों में जेड का स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा आई जेड प्लस 1 है ना, और माई आई जेड, देखो यहाँ पे आई तो आई जेड कॉमन लेना है, आई जेड स्क्वायर कॉमन लो, क्या कॉमन लेना है, दोनों जगह पे हमें आई जेड स्क्वायर कॉमन लेना है। जेड स्क्वायर अगर मान लो कॉमन लेते हैं तो काम ये कर लीजिए, जेड स्क्वायर ना कॉमन लीजिए क्योंकि एडजस्ट हो जाएगा, आई मत कॉमन लीजिए, जेड स्क्वायर आपने कॉमन लिया। अब देखिए यहाँ पे माइनस का जेड लिखा हुआ है, इससे आप लिखो आई स्क्वायर जेड, प्लस का आई स्क्वायर जेड लिख सकते हैं कि नहीं, इसकी वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। तो देखिएगा इन दोनों में आई कॉमन आ जाएगा, कितना कॉमन आ जाएगा आई, और बचेगा कितना आई जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस जेड लिखा था ना, माइनस की जगह हमने आई स्क्वायर रखा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है ना। अब देखो आई जेड प्लस 1 तो निकाल सकते हो एक जगह, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस आई एक ब्रैकेट है ना, दोनों चीजें आ गई, एक आ गई हमारे पास जेड का जो वैल्यू आ गया। हम क्या करेंगे यहाँ पे इस वाले फैक्टर को आप जीरो लेके चलो, आई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जेड बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1 बट्टा आई, आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई, माइनस का आई डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 काट दीजिए, जेड बराबर कितना आ गया आई आ गया। फिर हमें प्रश्न में निकालना क्या था, प्रश्न में हमें निकालना मॉडुलस जेड, दोनों का मॉड निकालो, मॉड निकाल दो, आई का मॉड क्या होगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, आई का मॉड कितना हो जाएगा 1, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 92 के पास प्रश्न संख्या 92 संख्या 92 में फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करना है, करेंगे इसका फैक्टराइजेशन है ना। फैक्टर करने का मैंने एक तरीका आपको बताया था, जब भी हमारे पास इस तरह का कोई नंबर आता है दिया गया हो तो हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू रखनी है। अब देखो हम मैंने आपको एक बताया था कि ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, लेकिन अगर आपने ऐसा किया, ये इनटू में सभी क्या है गुणनखंड दिए गए सारे इनटू में ना, कॉमा में नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है ना। देखिएगा
ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस है, ये भी जीरो आ जाएगा अगर वन वन रखोगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और यहां से भी जीरो आ जाएगा। मतलब कि दो ऑप्शन सही हो सकते हैं सिचुएशन में। लेकिन अगर मुझे तुक्का मारना होता है ना, तुक्का मारना होता तो मैं क्या करता इस सिचुएशन में, या तो ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन लेके चलता, यानी कि एज इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन और सी इक्वल टू वन लेके चलता, अगर मेरे पास टाइम का अभाव होता तब, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास समय है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम करेंगे इसे और समझेंगे। देखेगा यानी कि एज इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू वन से काम नहीं चल पाएगा। अब हमें लेट करना है, एज इक्वल टू हम यहाँ पे थ्री रखें, एज इक्वल टू थ्री रखेंगे, बी इक्वल टू टू रखेंगे और सी इक्वल टू जो रखेंगे यहाँ पे हम वो रख देंगे वन, है ना। रखिए भाई, ये वैल्यू आप रखोगे देखो ये कन्वर्ट होकर कितना आ जाएगा, यही रख लेते हैं। यहाँ पे रखोगे एक ही जगह पे क्या रखना, तीन, ये हो जाएगा तीन और दो और एक, है ना। फिर कितना हो जाएगा, बी प्लस सी, बी प्लस सी दोनों को क्या करना है ना, जोड़ना है ना, बी प्लस सी, बी और सी करोगे कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा। सी प्लस ए, सी प्लस ए कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा। सी प्लस ए कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, और इसी तरह से पांच हो जाएगा, किसे करिएगा ये नौ हो जाएगा, स्क्वायर है सभी के चार हो जाएगा। इनको आप क्या करिएगा, ओपन करिएगा, ओपन करके आप जब हल करेंगे इस डिटरमिनेंट को, है ना, चाहो तो इसको इसमें घटा देना, इसको इसमें घटा देना, सी वन माइनस सी टू कर देना, फिर आप इसे ओपन करना, ओपन करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो बारह है, ठीक है, कितनी आएगी, बारह। अब हमें क्या करना, वो ऑप्शन ट्राई करना है जिसमें एज इक्वल टू थ्री, बी इक्वल टू टू और सी इक्वल टू वन रखने पे बारह आ जाए। हम पहला ऑप्शन यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ए का वैल्यू है थ्री माइनस का टू, है ना, बी का वैल्यू कितना है टू माइनस का वन, सी का वैल्यू कितना है ये वन माइनस का ए, है ना, थ्री, और ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीन प्लस दो प्लस एक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तीन माइनस दो कितना हो जाएगा, दो आ जाएगा, तीन माइनस दो तो एक ही बचेगा, एक आ जाएगा, एक गुणे दो माइनस एक, ये भी एक आएगा, गुणे ये माइनस का दो आएगा, गुणे कितना हो जाएगा, तीन दो पांच एक छह हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का बारह, तीन माइनस दो, दो माइनस एक, और यहाँ पे सी माइनस ए, सी माइनस का ए, सी की वैल्यू कितनी थी ये, तो ये माइनस का टू आएगा, ठीक है, और यहाँ पे बी माइनस सी, बी माइनस सी दो माइनस एक हो जाएगा, और यहाँ पे है ए माइनस बी, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन था यानी कि बारह, उसकी संभावना तो कम हो गई, है ना। देखिएगा यहाँ पे माइनस का बारह ही आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा कहीं त्रुटि होगी, क्योंकि इसको हल करने में तो बारह ही आ रहा है ना, मैंने हल भी कर लिया, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ी सी ऑप्शन में कहीं त्रुटि होगी, है ना, माइनस का बारह, यानी कि ऑप्शन ए ही सही होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि होगी, यानी कि कहीं पे बी माइनस ए हो सकता है, या सी माइनस बी हो सकता है, या ए माइनस सी हो सकता है, इनमें से किसी का एक का क्रम अलग हो जाएगा, है ना, ठीक है। करिएगा इस प्रश्न को एक बार, आप भी ट्राई करिएगा, प्रश्न ऐसे ही करना है, इसे कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑप्शन की दिक्कत आ रही है इसमें, करेक्ट ऑप्शन की। चलिए इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है हमें डिटरमिनेंट दिया गया है, अब देखिए इसे हम सीधा हल कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पांच दूनी दस माइनस ए स्क्वायर, दस माइनस का ए स्क्वायर बराबर होगा किसके, चार माइनस तीन के, चार माइनस तीन कितना हो जाएगा, दस माइनस का ए स्क्वायर बराबर एक, है ना, ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा नौ, ए बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस का तीन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 94 के पास, क्वेश्चन नंबर 94 है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है एबीसी, ठीक है, एक त्रिभुज हमारे पास है एबीसी, और कह रहा है इसमें जो ए है ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए जो है वो 120 है ना, ए और इसके बाद कह रहा है ए बी और ए सी जो है ना दोनों बराबर है ना, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, है ना, यानी कि संगत समान, अगर समान भुजाएं, अगर दो भुजाएं समान है तो उनके संगत कोण भी समान होते हैं, यानी कि ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये एक कोण 120 निकल गया, 120 हमारे पास कितना बचा, 60, तो 60 में दोनों के हो जाएंगे 30, 30 के हो जाएंगे, 30 का ए भी, 30 का ए भी, है ना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 94 में। चलेगा क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 में भी बहुत ही मतलब कोई क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है, देखिएगा, कह रहा है कि अ फोर्स एक्ट्स एट एंगल ऑफ द 30, है ना, एंगल यानी कि थीटा में कितना दिया गया है 30 डिग्री, यानी कि एंगल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो दिया गया है वो कितना 30 डिग्री दिया गया है हॉरिजॉन्टल, इफ द इट्स रिसॉल्व पार्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कह रहा है कि जो इसका 36 घटक है यानी कि 36 दिशा में वियोजित भाग है, जिसे हम क्या बोलते हैं यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इज इक्वल टू दिया गया है कितना 10 रूट 3, है ना, तो कह रहा है देन
फोर्स जिसे कह रहा है कि बल क्या होगा, है ना। हमको बताना है कि बल क्या होगा, उसे बल पूछा गया कि बल कितना होगा। अब देखिएगा हमें क्या करना है, cos थीटा इसने दे रखा है, यूज वोल्ट भी कितना हो जाएगा, cos 60। cos 60 कितना होता है, अंडर रूट 3 बटा 2, ना u into अंडर रूट 3 बटा 2 इक्वल टू प्लस u into रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 काट दे, u इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 किलोग्राम भार, 20 किलोग्राम भार हो जाएगा बल। कितना ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में देखो लिखा हुआ है a डॉट b क्रॉस c, है ना, a डॉट b क्रॉस c। हम क्या करेंगे, जब मान लीजिए हमारे पास ये रखा होता है a डॉट b क्रॉस c, ना ये रखा हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट a b c का, वेक्टर नहीं लगा है, a b c लिख सकते हैं। अब देखिएगा a b c बराबर कितना है 1। अच्छा एक बात आपको और बता दें, a b c इज इक्वल टू b c a, क्रम सेम रहना चाहिए, और फिर सी ए बी, है ना, ये सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और सबकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देखिएगा इधर ऊपर वाले में यहाँ पे रखते हैं, ये हो जाएगा ए बी सी, ऊपर कितना हो जाएगा ए बी सी, नीचे कितना हो जाएगा सी ए बी, प्लस ये कितना हो जाएगा बी सी ए, ये कितना हो जाएगा ए बी सी। वेक्टर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्पिटिशन में जरूरत नहीं होती है ना, होम एग्जाम में हम वेक्टर वेक्टर लगाने का काम करते हैं, टाइम कौन बी सी ए। देखिएगा अभी सभी बराबर है आपस में, चाहो तो सीधा काट दो, 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 इसकी आ जाएगी, 1 इसकी आ जाएगी, ये सबकी वैल्यू 1 रख दो, आपके सामने रखी हुई 1 + 1 + 1 कितना 3 हो गई, कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 97। क्वेश्चन नंबर 97 भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग कह रहा है इसमें। हम एक काम करते हैं, हम n प्राकृतिक संख्याओं के योग की बात कर रहा है, तो हम ले लेते हैं एस वन को ले लिया, हमने एक ही पद लेके देख रहे हैं, पहले 1 ले लिया, है ना, ये प्राकृतिक संख्याओं को, एक प्राकृतिक संख्या को जोड़ने पे एक ही आएगा, और कह रहा है एस टू जो है वो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, तो यहाँ पे भी ले लिया एक का स्क्वायर ले लिया, वर्गों का योग ये भी 1 आ जाएगा। एस थ्री कह रहा है कि इनके घनों का योग, यानी कि एक क्यूब बराबर वो भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हम S1, S2, S3 की ये वैल्यू रख लेंगे, देखते हैं कि अगर एक ऑप्शन में किसी भी काम चल जाएगा तो ठीक है, अगर सभी सेटिस्फाइड होंगे तो फिर इसके बारे में सोचो, है ना। 9S2 तो कितना हो जाएगा, 9 × 1 इज इक्वल टू हो जाएगा S3 यानी कि 1 × 1 + 8 यानी कि 9, ये 9 = 9 आ गया, सेटिस्फाइड कर रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा ना, और कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। 98 देखिएगा, प्रश्न संख्या 98 भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए 98 एक ट्राइंगल है हमारे पास, इस ट्राइंगल का हमें तो चतुर्भुज की माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका निकालनी है कि क्या होगी, ना 98। अब देखिए इसकी माध्यिका को ज्ञात करना है अगर हमें, है ना, माध्यिका ही निकालनी है, सेंट्रॉइड निकालना हो तो सेंट्रॉइड भी आराम से निकाल देते, लेकिन यहाँ पे हमें निकालनी है माध्यिका के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक, सामने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे ये बताना। चलिए हाँ, मीडियन, मीडियन निकालना चतुर्भुज की माध्यिका होगा, यानी कि माध्यिका के ही हमें निर्देशांक निकालने हैं, जबकि हमें यह दिया गया है कि इसका एक जो पॉइंट है वो है 0.0। अच्छा बी सी के जो मध्य बिंदु है, यानी कि भुजा बी सी, ये है हमारा बी और ये है ए और ये है सी, बी सी का मध्य बिंदु डी, बी के निर्देशांक को उन्होंने दिए हैं, है ना, बी सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक के उन्होंने दे रखे हैं कि 2.0। अच्छा कोई बात नहीं, इसकी साइड 2 दी गई, ये भी साइड 2 दी गई है, शायद इसने माध्यिका के निर्देशांक नहीं पूछे हैं ना, प्रश्न में थोड़ी सी खोटी थी, इन्होंने केंद्रक पूछा था, है ना, केंद्रक, क्योंकि माध्यिका के निर्देशांक तो उन्होंने खुद ही दे दिए, है ना, केंद्रक यानी कि सेंट्रॉयड पूछा था, है ना, सेंट्रॉयड पूछा था, केंद्रक पूछा। देखिए यहाँ पे जो सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, मिड पॉइंट दिया गया है, मिड पॉइंट वाले से आप क्या करना, x1 + x2/2 से बराबर 2 करके निकाल लेना, ये आ जाएगा हमारा 4.0, है ना, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाना और इसे x1 xy मान लेना, तो फिर क्या हो जाएगा 0 + x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, बाकी तो 0 ही, 4.0 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब हमें चाहिए a,
अब देखो इसका प्रत्येक एंगल जो होता है थीटा होता है हमें पता है ना, थीटा यानी कि 60 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज हो चुकी है, कैसा त्रिभुज है समबाहु, 60 दिया है उसने, सॉरी 60 इसने दिया भी है ना, एंगल बी जो है वो 60 दिया है। अच्छा हमें क्या मिल जाए, अगर हमें मिल जाए तो ए के कोऑर्डिनेट मिल जाए ना, बिंदु ए के अगर निर्देशांक मिल जाए तो हम आसानी के साथ इसका समीकरण निकाल सकते हैं। अब देखिए चूंकि ये क्या है, ये यहाँ से देखो 0.0 है यानी कि एच को ही दिखा रहा है, ये यहाँ से एक्स एस है, यहाँ से एक्स एस है, तो मतलब कुल मिला के सीधी सी बात ये है कि हमें क्या करना है, ये हमारे पास 90 अंश का कोण है यानी कि ये 90 अंश वाला त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे हम एक बार लगा देंगे cos 60 cos 60 इस गोल को कितना आ जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार हम इसे एच ले रहे हैं, आधार कितना है, आधार हो जाएगा बी डी, देखो आधार कितना है बी डी और आधार की जो लंबाई है वो कितनी है, आधार बी डी, बी डी बटे कर्ण कितना है, कर्ण आपको दो दिया गया है, यहाँ से बी डी कितना आ जाएगा, बी डी जो इस गोल को आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 रखोगे 1/2 से 2 कट जाएगा 60 आ जाएगा, यहाँ पे साइन 60 भी लगा दो, साइन 60 लगा दो, साइन 60 कितना हो जाएगा वो होता है लंब बटे कर्ण एच बटे दो, ये कितना हो जाएगा √3 है ना, 2√3/2 होता है इसका वैल्यू, कितना √3/2 और ये हो जाएगा एच इक्वल टू √3 है ना, सॉरी h/2 है यार, h/2 ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 था, 2√3/2 h/2 2 से 2 काट देंगे, एच बराबर कितना आ जाएगा √3 है ना। अब देखिए इस बिंदु के अगर निर्देशांक निकालना है हमें, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई 1 आ गई और हाइट कितनी आ गई, ये आ गई √3, तो यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 1√3 ना, पहले एक्स वाला रखेंगे 1√3। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ के हमें केंद्रक निकालना है यानी कि सेंट्रॉइड निकालना है, सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक, केंद्रक क्या होता है x1+x2+x3/3 है ना, तो कितना हो जाएगा 0+4+1=5, तो 5/3 हो जाएगा कॉमा, फिर y1+y2+y3/2 √3 रहेगा वो, सॉरी 3 होता है 3 है ना, ये बन जाएगा हमारा 5/3 और कॉमा में आ जाएगा 1/3, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 5/3 √3, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना, सेंट्रॉइड पूछा है इसलिए माध्यिका नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, 98 क्वेश्चन नंबर 98 बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा इसे, देखिएगा यहाँ पे दिया गया है cos की पावर में है 7x प्लस, तो यहाँ पे साइन की पावर 4 दिया गया है, साइन की पावर को हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर की पावर 2 है ना, साइन स्क्वायर की पावर 2 4 ही तो हो जाएगा, -1=0, ये हो जाएगा cos की पावर 7x प्लस, इसकी जगह पर रखेंगे 1-cos²x, हम cos में चेंज करना चाहते हैं पूरे कर लिया, तो ये हो जाएगा cos की पावर 7x प्लस 1 प्लस फिर से हो जाएगा cos की पावर 4x हो जाएगा ये माइनस का, और ये हो जाएगा 2cos²x -1=0, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखेंगे दोनों में पूरे में हमारे पास cos²x कॉमन, ये हो जाएगा cos की पावर 5x प्लस cos की पावर में 2x बचेगा -2=0, दो फैक्टर आ चुके हैं हमारे पास, एक फैक्टर हो जाएगा cos²x=0, जब cos²x=0 हो जाएगा ये हो जाएगा cos²x=cos²π/2 ना, इस दौरान x इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा (n)π + -π/2, यानी कि यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आ जाएंगी वो 2 आ जाएंगी, एक क्या आ जाएगा -π/2 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा। अगला वाला पार्ट फिर से उठाइएगा, cos की पावर 5x प्लस cos²x - 2=0, अगर हम इसमें x बराबर 0 1 रख दें तो देखिएगा cos इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी है ना, 1+1 -2 -2+2 दोनों यानी कि 0 आएगा, यानी कि x=0 भी इसे सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास तीन वास्तविक हल हो जाएंगे, x=0 हो जाएगा, एक x=π/2 हो जाएगा और एक हो जाएगा x=-π/2 है ना, -π/2 ठीक है, तो यहाँ पे +π/2 -π/2 हो गया, एक 0 हो गया, यानी कि 3 मान हो जाएंगे, कितने मान हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास 3 मान हो जाएंगे जो इसे सेटिस्फाइड करेंगे। चलेगा क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 100, क्वेश्चन नंबर 100 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ना, थक गए होंगे अभी, बहुत बड़ा वीडियो था, चलिए
यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि पी क्यू आर तीन समुच्चय हैं। देखिएगा आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप कोई पी के एलिमेंट मान लें, पी के एलिमेंट मान लें, आप पी के मान सकते हैं, क्यू के मान सकते हैं, आर के मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सीधा बता देता हूँ, इसमें जो 100 होगा ये सी वाला वो क्या हो जाएगा, देखो पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर दिया गया है, पी यूनियन क्यू हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डायरेक्ट कितना हो जाएगा, पी यूनियन क्यू, दोनों का इंटरसेक्शन अब पी यूनियन आर हो जाएगा। आपको करना हो तो पी क्यू आर के अलग अलग एलिमेंट्स ले लीजिएगा, सेटिस्फाइड करवाइएगा सारे ऑप्शन, जो सेटिस्फाइड हो जाएगा वही करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे सेटिस्फाइड करेगा ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी क्या होगा, सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, चलेगा। बस ये आज की क्लास यही तक, कल हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर से डिस्कस करेंगे 2013 का ही बचे हुए 25 प्रश्न और इसके बाद आप लगातार ना जो क्वेश्चन हम आप बता रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको रफ में जरूर लिखते हैं, पेयर बना दीजिए या नोट्स बना लीजिए, आप जो भी बनाना चाहते हैं बना लीजिए, लेकिन लिखिए जरूर, लिख के नहीं याद जरूर करिए, रोज याद करिए, है ना, याद करने वाला काम करिए ना, मैथमेटिक्स में याद भी करने का काम जरूर करना है। ओके, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हमारा काम आपको पसंद आता तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, जो हमें ऊर्जावान और मोटिवेट बनाए। थैंक यू, जय हिंद।